वायरल हो चुकी तस्वीरों में नजर आ रहे ये शख्स ना तो गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुपारी किलर है, ना ही ये सीन किसी नई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग लोकेशन का है, और ना ही गुपचुप गुपचुप गाने पर थिरकने वाले माधुरी दीक्षित के पुराने फैन। दरअसल ये उत्तराखंड के माननीय विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन, जिनके लिए ऊट पटांग हरकतें करना आए दिन की बात हो गई, और अपनी ऐसी ही हरकतों के चलते बीजेपी की सदस्यता से 3 महीने के लिए बेदखल भी। लेकिन शराब गटकते और अपने चमचों संग दिल्ली के उत्तराखंड सदन के कमरा नंबर 204 में नाचते चैंपियन इस बार बेशर्मी की सारी हदें लांघ गए। चैंपियन ने अपने ही राज्य उत्तराखंड को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में उबाल है। हालांकि अभी वायरल वीडियो की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पत्रकार धमकी कांड के दिनों में ये शराब और तमंचे पर डिस्को वाली जश्न महफिल जमी थी। वहीं इस मामले में असहज बीजेपी बड़े एक्शन का दावा कर रही है। सवाल है कि क्या 4 बार विधानसभा चुनाव जीतकर जिस राज्य की विधानसभा में आप माननीय बनकर बैठेंगे, शराब के नशे में उसी राज्य को गाली देंगे? ऐसे में जब पानी सिर से ऊपर होता नजर आ रहा है, क्या तब भी बीजेपी नेतृत्व को चैंपियन के आचरण में सुधार की उम्मीद नजर आ रही है? उत्तराखंड को गाली देते क्या माननीय विधायक ये भी भूल गए हैं कि इस राज्य का निर्माण कितनी शहादतों और संघर्षों के बाद हुआ? क्या विधानसभा में रहते पिछले 17.5 सालों में एक बार भी मसूरी, खटीमा और रामपुर तिराहा कांड के शहीदों की छवि जहन में नहीं आई? और सवाल उस बीजेपी से भी जो लगातार चैंपियन के हरकतों पर जांच के दिखावे का पर्दा डालती रही, महात्मा गांधी से लेकर पार्टी के ही दूसरे विधायकों पर आई टिप्पणियों पर नरमी क्यों बरती? सवाल है कि क्या अब कड़ा एक्शन होगा? क्या वो तमंचे और गन कैसे चैंपियन ने लहराई, इसकी कड़ाई से जांच पड़ताल होगी? क्या अपने ही राज्य के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करने की सजा माननीय को नहीं मिलनी चाहिए?